अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और सबका सही जा रहा होगा। स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए से फ्रेश से व्लॉग के अंदर। एंड आज है संडे एंड इट्स द टाइम 11:20 PM राइट नाउ। एंड आज जाने वाले हैं हम एक जगह नज़दीकी जाने वाले हैं, बिकॉज वेदर फोरकास्ट जो है वो बहुत ख़राब है। बारिश भी हो सकती है, बर्फ़ भी हो सकती है, कोई मतलब कि गारंटी नहीं है क्या हो सकता है। तो हाँ, इसीलिए एंड जो मैंने पिछली वीडियो पोस्ट करी थी, आपने उस पर बहुत सारा लव एंड सपोर्ट दिखाया, मैंने सजेशंस मांगी थी एंड बहुत सारा आपने सजेस्ट किया जिस पर मैंने रिएक्ट भी करा। एंड प्लस उसके रिलेटेड जो कंटेंट है वो 9 to 8 days के बाद स्टार्ट होगा, बिकॉज 9 to 8 days के बाद हम लाने वाले हैं फाइनली कैंपिंग का सामान, जो भी एक्सेसरीज होते हैं और लाइक टेंट, स्टोव, गैस वगैरह जो है वो इंक्लूडेड सब कुछ वो लाएंगे हम अराउंड 9 to 8 days के बाद। बजट दो थोड़ा इंक्रीज़ करना है तो लाएंगे 9 to 8 days के बाद, मगर डेफिनेटली 9 to 8 days के बाद कन्फर्म है। तो अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं हम एक जगह करीबी नज़दीकी, क्योंकि संडे भी है, घर पे बैठे हैं, तो हाँ इसी बहाने हम जाएंगे उसी जगह। तो जगह का नाम अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा। तो अभी चलते हैं पहले इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद से हम गाड़ी पकड़ेंगे कहाँ तक, उस जगह तक। तो हाँ पहले चलते हैं, करते हैं पहले अपना आउटफिट चेंज एंड चलते हैं जल्दी से इस्लामाबाद। जहांगीर ने क्या खूब कहा है, अगर फिर दोस्त बर्रोए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। कभी कार कोता तो कभी उत्पला, कभी शहमीर तो कभी मुगल, कई हुकूमतों ने ताज बदले, बस नहीं बदल पाए तो इस सरजमीन कश्मीर की कश्मीरियत। इस जन्नत की कई सारी खूबियों के बारे में आपने सुना और देखा होगा, जो इसे मुनफरिद बनाती है, जिसमें सरजमीन कश्मीर का सूफी कल्चर भी शामिल है। कश्मीरी तसव्वुफ का एक ख़ास मिजाज है, इस्लामी असबाक के इस्तदाल 9वीं सदी के एक नरम वज्रन के तौर पर मुतारफ कराया गया, जिसने मजहबी इंसानियत के ख्याल को फ़रोग दिया। सबसे ज़्यादा मशहूर मज़ारात में बाबा ज़ैनुद्दीन वली के लिए वक्फ अशमुकाम, शेख नूरुद्दीन नूरानी के लिए वक्फ सरार शरीफ और भी दरगाहें शामिल हैं। कश्मीर के दरगाहों में एक है ये बेहद खूबसूरत पहाड़ों के दरमियाँ बिल्कुल ख्वाबजा अशमुकाम दरगाह। कहते हैं मंजिल से कई ज़्यादा लुत्फ उसके सफ़र का होता है, और अगर सफ़र मुश्किल ही ना हो तो ज़िंदगी को सींचेंगे कैसे, ख्वाबों के उन दरख्तों से मंजिलों को तोड़ेंगे कैसे। तो आइए पलटते हैं ज़िंदगी का और एक पन्ना और शुरू करते हैं अशमुकाम दरगाह का ये सफ़रनामा। सो गाइस, वी आर फाइनली हियर एंड इस जगह का नाम है अशमुकाम। एंड जब आप पहलगाम रूट से चलते हो, ये उसी के बीच में आता है, फ्रॉम अनंतनाग टू पहलगाम। एंड हाँ, इस थोड़ा टाइम लगता है ऊपर जाने में, बहुत सारी सीढ़ियाँ क्रॉस करनी पड़ती है। अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं ऊपर एंड देखते हैं आगे। तो ये सीढ़ियाँ जो आपको कैमरा में साफ साफ दिखाई दे रही हैं, ये ले जाएंगी हमें ऊपर तक, अशमुकाम दरगाह तक। तो चलते हैं, करते हैं अपने इस सीढ़ियों के सफ़र की शुरुआत, और ताकि हम अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंच सके। और चलते चलते जो अशमुकाम का जो ये छोटा सा लोकल मार्केट है, इसमें क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको ज़रा बता दूं। तो ये जो लोकल मार्केट है अशमुकाम दरगाह का, जो ये छोटा सा लोकल मार्केट है, इसमें आपको बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखने को मिलेंगी, वैरायटी ऑफ थिंग्स देखने को मिलेंगी, और जो कि यहाँ तक के छोटों को, छोटे बच्चों को और साथ ही साथ बड़ों को भी बहुत खुश कर देने वाली चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। और यही चीज़ें जो है ये आप घर भी ले जा सकते हैं, आप इनको देख भी सकते हैं, जिनमें से कुछ कैलीग्राफी डिज़ाइंस, कुछ फ़ोटो फ्रेम्स, कुछ आर्टिफिशियल थिंग्स और बहुत सारा वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है चप्पे चप्पे पर। और यहाँ के लोगों का तौर तरीका बहुत ही दिलनशीन है, बहुत ही मोहब्बत के साथ आपस में रहते हैं, और यहाँ
आपके बच्चे जो कि आपको सीढ़ियों पर बहुत सारे खेल खेलते हुए देखने को मिलेंगे, बहुत मोहब्बत के साथ आपस में खेलते रहते हैं, बहुत मोहब्बत के साथ आपस में खेलते जुलते रहते हैं। और बात करूँ मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है अश्मुकाम का हलवा। सबसे पहले जब भी कोई जाता है अश्मुकाम घर में, कोई बड़ा जाता है अश्मुकाम, तो सबसे पहले उसे कहा जाता है कि भैया मेरे लिए कुछ ना कुछ तुम लाओ या ना लाओ, लेकिन अश्मुकाम का हलवा मेरे को ज़रूर लाना, क्योंकि यहाँ का हलवा बहुत ही मशहूर है और बहुत ही मज़ेदार है। हम भी ट्राई करेंगे, वहाँ से आकर हम भी हलवा ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारा मज़ा और जैसा प्यार जैसा भरा होता है उस हलवे में, एंड उसे खाने में एक अलग ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें, यहाँ छोटी सी एक गली देखने को मिलती है जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, और इसके राइट लेफ़्ट कॉर्नर्स पे आपको बहुत सारा मार्केट देखने को मिलता है। तो अभी चल रहे हैं हम आगे और एक्सप्लोर कर रहे हैं कितनी सारी चीज़ें, बच्चों के खेलने की, बड़ों के चीज़ें मिलते हैं यहाँ पर, एंड आराम से आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल तक भी पहुँच जाएंगे। और अभी चलते हैं ऊपर, हम पहुँचते हैं अब ज़ियारत तक। तो आप देख सकते हैं हम फाइनली पहुंच गए हम ऊपर एंट्रेंस तक, और एंट्रेंस के साइड में भी एक हलवे की शॉप पहले ही दिखाई देने को मिलती है। तो अभी चलते हैं अंदर, आराम से अंदर जाते हुए ही आपको राइट साइड में दाईं तरफ और सीढ़ियां क्रॉस करनी पड़ेगी। तो करते हैं पहले इन सीढ़ियों को क्रॉस, और सीधे चलकर दाएं मुड़ने से आपको जाना पड़ेगा अंदर, और वहाँ पर अपने जूते जो है वो बाहर निकालने पड़ते हैं, क्योंकि आज बारिश है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है, तो हमें अपना सॉक्स भी निकालना पड़ा ताकि सॉक्स वेट ना हो जाए। तो चलते हैं पहले अंदर और दिखाते हैं आपको दरगाह। ये रहा अश्मुकाम का सबसे मशहूर दरगाह, अश्मुकाम दरगाह। तो आप इस दरगाह को देखने के साथ साथ ऊपर का मौसम भी देख सकते हो, और देख सकते हो कितना 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 ज़्यादा बारिश हो रही है इस वक्त। एंड अभी तो जब हम घुसे ही थे बारिश स्टार्ट ही हुई थी, और ये रहा उसी अश्मुकाम दरगाह का ये नज़ारा, कितना 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 खूबसूरत है। और मौसम भी तो बहुत, मौसम के तो क्या ही कहने हैं, मौसम भी तो बहुत घबराया सा हुआ है, मौसम भी बहुत उदास है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको अश्मुकाम दरगाह से जो नीचे का नज़ारा है, नीचे का नज़ारा जो है वो कैसा दिखता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं अभी इसके ऊपर और दिखाता हूँ मैं आपको अश्मुकाम से ये क्या नज़ारा देखने को आपको मिलता है। बहुत सारे पहाड़, छोटे छोटे जो कि बहुत बड़े मकान हैं वो कितने छोटे नज़र आते हैं, और दूर दूर तक कोई भी नहीं, दूर दूर तक कितना नज़ारा, दूर दूर तक छोटे से रास्ते, और इसी के साथ साथ बहुत ना बहुत सारा खूबसूरत नज़ारा भी देखने को हमें मिलता है, बहुत सारा प्यार भी देखने को मिलता है आपको उन लोगों से जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि वहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। तो अभी ये तो हो गया इसका बाहर का एक्सटीरियर लुक, अभी हम चलते हैं आराम से अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर ये कितना ब्यूटीफुल है और कितना खूबसूरत है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये केव है, ये गुफा है जो जिसको सजाया गया है बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ रिलीजन के लोग आते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, कुछ भी हो, वो आते हैं यहाँ पर ज़ियारत के लिए। तो चलते हैं अभी अंदर, यहाँ पर भी आपको अच्छे से अंदर जाना पड़ेगा। तो यू कैन लुक कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, कितना दिल को सुकून देने वाला नज़ारा है, और कितना सजाया गया है इस छोटी मोटी सी गुफा को, और कितने लोग अंदर हैं, ज़ियारत पर है। तो हम भी चलते हैं अभी अंदर, एंड हाँ, जब ज़ियारत करके वापस आते हैं तो हमें उल्टे पैर आना पड़ता है, ना कि हमें सीधे आना पड़ता है। ये यहाँ का थोड़ा रिवाज है कि अगर ज़ियारत के लिए तुम अंदर जाओ तो तुम्हें उल्टे पैर वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ तक इसी, ये जो छोटा सा केव है, गुफा है, यही है इसकी ज़ियारत। तो अभी हमने ज़ियारत वगैरह कर ली है, तो अभी चलते हैं हम वापस। तो वापस जाते वक्त आप देख सकते हैं कितना 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 रौनक वाला नज़ारा देखने को मिलता है हमें। अभी चलते हैं बाहर और जाते हैं और टॉप पर, और वहाँ से देखते हैं क्या व्यू रहता है। तो यहाँ पहुँच गए हम
फाइनली ऊपर, और ऊपर जाते जाते बहुत सारे लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे थे और कुछ आगे चल रहे थे क्योंकि इनको भी बहुत सारा नज़ारा देखना था। एंड वहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था, बहुत सारे पहाड़ एंड अशमुकाम दरगाह। मैं भी आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आप भी अपनी फैमिली के साथ आए और इस हसीन नज़ारे का लुत्फ़ उठाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं वापस और हमारा जो फेवरेट हलवा है उसको हम करते हैं परचेज़ आराम से। तो अशमुकाम दरगाह से जस्ट बाहर निकलते हुए आपको राइट साइड में देखने को मिलता है ये हलवा वाला भैया, और देख सकते हो आप कितना टेस्टी दिख रहा है दूर से ही ये हलवा। एंड इसी के साथ साथ पराठा भी हमें मिलता है हलवे के साथ, ताकि आप इसी हलवे को इसी पराठे के साथ खा सकें। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने भैया से बोल दिया है कि भैया थोड़ा हलवा पैक कर दो हमारे लिए, घर के लिए भी। तो भैया कर रहे हैं हलवा पैक, तो आप देख सकते हैं। ये जी कर लिया भैया ने हलवा पैक और दे दिया हमें। सो गाइस, ये था हमारा आज का सफ़र टू अशमुकाम। एंड अभी मैंने टोपी इसलिए दिया बिकॉज बारिश स्टार्ट हो गई एंड थोड़ा थोड़ा करके दोनों भी ज़्यादा ही हो गई। एंड अभी प्लान आया हमें, हम जाएंगे अब वापस एंड कुछ खाएंगे, अभी भूख भी बहुत लगी है। तो अभी चलते हैं वापस कुछ खाने के लिए नीचे। हाँ, तो देखते हैं पहले क्या खाएंगे। सो गाइज, अभी हम वापस आ गए हैं एंड अभी जा रहे हैं, जाने वाले हैं हम एक्चुअली अमेगोस कुछ खाने के लिए। तो अभी जल्दी पहुंचते हैं अंदर एंड खाते हैं कुछ स्पेशल सा, बहुत भूख लगी है। ले लो जी भैया, पहुंच गए हम अपने अड्डे पर अमेगोस, मजाक कर रहा हूँ। तो चलते हैं अभी अंदर, तो खाते हैं, देखेंगे क्या कुछ खाएंगे। सो गाइज, आ गया हमारा ये कोक एंड प्लेन चीज़ पिज़्ज़ा करा हमने ऑर्डर, बहुत भूख लगी है तो इसे करते हैं जल्दी से हम फिनिश। एंड अब हमने मंगाई है मेरा फेवरेट चोको ब्लास्ट विद वनीला आइसक्रीम, तो करते हैं इसे भी जल्दी से फिनिश, मेरा फेवरेट है सबसे। एंड फाइनली गाइज, बाहर निकल गए हम और बाहर देख रहा हूँ मैं बहुत रात हो गई है, तो अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं घर डायरेक्टली, अंधेरा भी बहुत हो गया है। तो हाँ, मिलते हैं आपको डायरेक्टली अब घर में। तो फाइनली गाइज, वी आर बैक ऑन आवर रोड एंड अभी बहुत अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब देख लो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। एंड आज बहुत लेट हुआ एंड अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं हम जल्दी से घर, 5 या 6 मिनट लगेंगे हमें घर तक, हमने हाफ रोड क्रॉस कर लिया है। तो हम मिलते हैं आपको डायरेक्टली घर में। 2 hours later। सो गाइज, अभी फ़िलहाल के लिए पहुँच गए हम घर फाइनली एंड अभी फ़िलहाल के लिए करते हैं हम अपना आउटफिट चेंज। एंड कुछ सामान लाया था हमने अशमुकाम से कुछ खाने के लिए, कुछ हलवा एंड कुछ वगैरह वगैरह। तो हाँ, पहले करते हैं अपना आउटफिट चेंज एंड उसके बाद चलते हैं नीचे किचन में, घर वालों के साथ कुछ करते हैं बातें। तो हाँ, पहले करते हैं चेंज। 1 eternity later। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं अपना डिनर हमारे बटर चिकन के साथ, जो कि हमने अमेगोस से ही मंगाया था पैक करवाने के लिए घर वालों के लिए, एंड विद सम रोटी। तो हाँ, करते हैं पहले इसको जल्दी से फिनिश। सो गाइज, अभी टाइम आ गया है इस व्लॉग को यहीं पर एंड करने का। एंड उससे पहले एक बात, जो मैंने गिव अवे कर रखा था उस पिछले वीडियो में, मैंने जो मैंने अपलोड करी थी एंड उसका टाइम लिमिट तब तक है जब तक वो पार्सल आना जाए। तो तब तक आप कुछ भी गेस कर लो, कितने भी कमेंट्स कर लो, कोई भी इशू नहीं है, क्लियर। एंड हाँ, प्लस और इस वीडियो में आपको कितना मज़ा आया आप ज़रूर बोलिएगा कमेंट सेक्शन में एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो अभी टाइम आ गया इस व्लॉग को यहीं पर एंड करने का एंड इस व्लॉग को एडिट करने का। एंड अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा फॉर वट एवर रीज़न, गिव इट अ लाइक एंड डू इट अ सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सम अदर डे। टिल देन, गुड बाय एंड अस्सलाम वालेकुम।